पति नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था और पत्नी घर में दो बच्चों के साथ रहती थी। पति दिन भर अपने काम में मशगूल रहता और उधर पत्नी अपनी आशिकी में खोई रहती। पति दिन रात मेहनत कर घर के लिए पैसा जोड़ने की पूरी कोशिश करता तो पत्नी घर के बिस्तर पर किसी और की माशुका बन बैठी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जो पति अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अपना पसीना बहा रहा था उसी को घिनौनी साजिश का शिकार होना पड़ा। ये शख्स है धनंजय पांडे। ये नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा करता था। इसकी पत्नी घर में दो बच्चों के साथ रहती थी। अब पति तो घर में था नहीं, ऐसे में मोहतरमा को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आ रहे टीचर से मोहब्बत हो गई। दोनों के बीच अवैध संबंध शुरू हो गया। ये टीचर इस औरत के पति का दूर का रिश्तेदार भी था तो धनंजय को कभी उसके घर में आने जाने से परेशानी भी नहीं हुई। अब टीचर और पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग इतना गहरा हो गया कि धनंजय को दोनों पर शक होने लगा। जब उसने अपनी पत्नी के इस रिश्ते के बीच रुकावट बनने की कोशिश की तब पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। 18 अप्रैल को एक डेड बॉडी शहर के चीनी मिल की झाड़ियों में मिली, जिसकी शिनाख्त धनंजय पांडे के रूप में हुई। पुलिस जांच में पता चला कि वो देवरिया जिले के इंदिरा नगर में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी पुष्पा साथ ही 7 और 5 साल के 2 बच्चे हैं। जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाले तो कई अजीब तरह के मैसेज भी पुलिस को देखने को मिले। पुलिस को पत्नी पर शक तो हुआ लेकिन धनंजय के फोन में एक नंबर और होने की वजह से जरा कंफ्यूजन सा हो गया। जब उस नंबर का पता लगाया गया तो पुलिस के हाथ लगा ट्यूशन टीचर। अब पुलिस के मार के आके अच्छे अच्छे गुनाह कबूल लेते हैं तो वो तो एक ट्यूशन टीचर था। उसने सारी कहानी पुलिस को बता दी कि कैसे धनंजय की पत्नी और उसने मिलकर धनंजय का कत्ल कर दिया। पति को घर बुलाकर पत्नी खुद मायके चली गई और पीछे ये पत्नी के प्रेमी ने ईंट से कुचलकर धनंजय की हत्या कर दी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टक।